नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा छ द्वितीय सत्र। तो आगले वीडियो नी अंदर आपणे पाठ एक जे कविता हती एनो आपणे राग जोयो। आजे आपणे एनो भावार्थ जोवानो छे। इतनी शक्ति दे हमें दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता नो भावार्थ नी शुरुआत करिए। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहां पर कवि अभिलाष जी कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे मन में जो आपके प्रति जो विश्वास है वह कभी भी कमजोर न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही हमें चलाए, नेक रास्ते पर ही चलाए, और हमारे से भूल कर भी कोई भूल न हो, इनका ख्याल प्रभु आप रखना। ऐसी हमको शक्ति देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो हे ईश्वर, हमारे मन में जो अज्ञान भरा हुआ है वह अज्ञान दूर करके, हमें हमारे अज्ञान दूर करके जो अंधेरा छाया हुआ है वह मिटाकर तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, जिससे हम हमारे जीवन में कामयाब हो सके। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। तो जो बुराइयां हैं वह बुराइयों से हम बचे, इसीलिए हमको तू ज्ञान दे, और तुम जितनी भी हमें जिंदगी दो लेकिन वो जिंदगी अच्छी देना, भली जिंदगी हमको देना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो कहे हे ईश्वर, हमें बैर भाव हम न रखे, ऐसा तुम हमारा ख्याल रखना। हमारे मन में कभी दूसरे के प्रति द्रुणा न हो, कि हमारे जो कोई ऐसा कार्य न हो जिससे हमारे मन में दूसरों के प्रति जो भावना बदले की हो, वैसी भावना हमें हमारे मन में न आए। हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, ऐसी भावना हमारे मन में रखना, ऐसा इसमें कहा गया है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम यह सोचे किया क्या है अर्पण। हमारे मन में हमेशा ऐसा ही विचार आए कि प्रभु आपने हमें क्या दिया है, हमको क्या मिला है। हमको ऐसा नई विचार आना चाहिए हमारे मन में कि हमने क्या अर्पण किया है। तो ऐसी भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। तो हमारी जो खुशियां है वह फूल की जैसी होनी चाहिए, हम सभी को सभी के साथ बांट सके और सबका जीवन हम मधुबन जैसा कर सके, उपवन जैसा कर सके, ऐसी हमको शक्ति देना। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कि हे ईश्वर, तुम अपनी करुणा का जल सबके मन में ऐसा भर दो कि सब पावन हो जाए, और सबके मन का जो कोना है वह एकदम पावन पावन हो जाए। ऐसी अपनी करुणा सब मनुष्य में तुम ला देना। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हम अंधेरे में हैं, हम अज्ञान में हैं, तुम हमको रोशनी दे, प्रकाश दे। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम अपने अपने दुश्मनी में हम एक दूसरे के साथ हम खो न जाए, ऐसा प्रभु आप ख्याल रखना। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। तो हमने जो कार्य किया है, जो गलत कार्य किया है, उनकी सजा प्रभु हमको मिलनी ही चाहिए, और मौत भी आ जाए तो हम खुशी खुशी उस मौत को भी हम स्वीकार करें, ऐसी हमको शक्ति देना। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। तो हे प्रभु, हमारा जो बीता हुआ जो कल है, जो गुजर गया है, जो
खराब परिस्थिति में है वो फिर से न आए, ऐसी हमको शक्ति देना। आने वाला जो कल है वो बहुत अच्छा हो, ऐसी प्रार्थना की गई है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। तो कहे प्रभु, आज हर तरफ, आज कलयुग में जुल्म बेबसी है, लोग अपने जो संबंधी हैं उनके साथ लड़ते झगड़ते हैं, सब जुल्म करते हैं, सब बेबस होकर सब सहन कर रहे हैं। हर आदमी सहमा सहमा सा है, जो एक दूसरे से डरा हुआ है, वह जो डरा हुआ है ऐसी न हो, उनका ख्याल रखना। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। आज पृथ्वी पर, धरती पर इतना पाप बढ़ गया है, पूछो मत, तो भी ये धरती किस वजह यह थमी हुई है यह हमको नहीं पता। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। तो कहे प्रभु, तुम सबके मन में ऐसी ममता का बोझ डालो जिससे तुम्हारी जो ये रचना है, जो ये धरती है, ये पृथ्वी है, इनका अंत कभी न हो, ऐसा कर दे प्रभु। तो इस तरह इस प्रार्थना गीत में प्रभु से विनती की हुई है कि प्रभु, तुम्हारी रचना का अंत न हो, इसलिए तुम सबके दिलों में ममता का बीज बोलो। और इसी तरह इनका भावार्थ यहाँ पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? कवि कहता है कि हमारे मन में अगर जो विश्वास है वो कमजोर हो जाएगा तो हम इस धरा पर हम चैन से नहीं रह सकते, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मन का विश्वास कमजोर हमारा न हो, इसीलिए कहा गया है। धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, लोग डरे डरे हुए रहते हैं, पाप का जो बोझ है वो बढ़ गया है, इसीलिए हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्या क्यों? तो हम जगत में जो खुशियाँ है वह सबको बांटना चाहते हैं, और यहाँ पर जो पावर्थ है उनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो इस भावार्थ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। प्रश्न दो है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। क्योंकि, ताकि, और की, लेकिन, फिर भी और या। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। तो इसी तरह इनका उपयोग करके यह वाक्य पूर्ण करिए। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो बारिश होनी चाहिए, या अपने विचार यहाँ पर आपको व्यक्त करने हैं। बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेतों में अच्छी फसल होती है। बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियाँ बढ़ती है। तो यहाँ पर बारिश की वजह का, बारिश से लाभ भी होता है और उसके उस नुकसान भी होता है, लेकिन बारिश होनी जरूरी है, तो आपको यह लिखना है। प्रश्न चार है, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। कुछ कपड़े गंदे हैं, इसी तरह सुंदर, तो मोर सुंदर पक्षी है। चार, मेरे पिताजी के चार भाई हैं, मैंने उसका खिलौना तोड़ दिया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लाल, टमाटर लाल रंग का होता है। तीसरा, मेरे भाई का तीसरा नंबर आया। 15, लोग 15 अगस्त पर राष्ट्रगीत गाते हैं। तो इसी तरह आपको ये जो विशेषण शब्द है उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न पांच, संयुक्ताक्षर के शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है, क प्लस क
क दक्का, उसने मुझे धक्का मारा। च तो कच्चा। त त तो अत्तर। तो इसी तरह आपको बनाना है। तो अन्य भी यहां पर बनते हैं, न अन, शुद्ध, विद्वान, श्वेत, हृदय, पद्म। तो इस तरह शब्द बनाकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 6 है, इस काव्य को टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अपने कक्षा में सुनाइए। आपको घर पर ही मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर स्टैंडर्ड 6 लिखकर काव्य का नाम लिखना है तो वह आ जाएगा। तो आप अपने घर पर ही मोबाइल पर इनका गान सुनाई आप सुन सकते हो। स्वाध्याय है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 8 प्रश्न हैं, तो आपको सोच समझकर यह लिखने हैं। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ से हम हर जो बुराई है उससे हम बच सकते हैं। प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। उदाहरण, लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। तो लताए, शाखाए, सुंदरता, ग्वालिन, लिखावट, सुनकर और चिड़िया। तो ऐसे शब्द आपको अन्य बनाने हैं। तो यहाँ पर समय का अभाव होने के कारण हम इनकी चर्चा बहुत लंबी नहीं कर सकते, तो आपको ये समझकर लिखना है। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो यहाँ पर एक सुंदर जो नदी है, तो नदी के किनारे का एक दृश्य है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, फुग्गा वाला फुग्गा भी बच्चों को फुग्गा देता है, कुछ गुब्बारे वाला है जो वो गुब्बारे भेजता है, लोग नदी में जो तैर रहे हैं। तो आपको अपने विचार में लिखने हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो परिच्छेद दिया है उनका आपको गुजराती में अनुवाद करना है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो एक पक्षी वृक्ष ऊपर रहतु हतु, उसका घोंसला पेड़ पर था, एनो माळो वृक्ष ऊपर हतो। तो आ रीते तमारो आखो फकरो छे एनो गुजराती में अनुवाद करवानो छे। प्रश्न 5 छे, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो अहीं कविता ने पंक्तियों छे एनो भावार्थ तमारे पोताना शब्दोमां लखवानो छे। तो आ रीते एना प्रश्नोना जवाबो तमारे तैयारी करवानी छे, अभ्यास अने स्वाध्याय ने नोटबुकमां लखवानो अने तैयार करवानो छे। अस्तु, जय हिंद।